सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिता पुद्र, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कारिन टेक्निकल न्यूज पर। और आज मैं आपको बोलने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई भी लिंक है, इसमें भी आपका फेसबुक अकाउंट है उस फेसबुक अकाउंट का लिंक, आपका व्हाट्सएप अकाउंट है उस व्हाट्सएप अकाउंट का लिंक, आपके पास यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल का लिंक, इसमें भी आपके पास एक वेबसाइट है उस वेबसाइट का लिंक, कोई भी लिंक को आप कैसे QR कोड में जेनरेट कर सकते हो। आप देखो ऐसे करके एक QR कोड में आप कोई भी लिंक को जेनरेट कर सकते हो। तो कैसे? बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कोई भी लिंक को QR कोड में जेनरेट करने के लिए आपको क्या कुछ चाहिए? आपको चाहिए Office 2019। आपको कहां से मिलेगा? मेरा एक वीडियो है, अच्छी तरह से आप Office 2019 को डाउनलोड कर सकते हो, उसको लाइफ टाइम के लिए भी एक्टिव कर सकते हो। और आपको चाहिए एक लिंक जिसको आपको जेनरेट करना है QR कोड में। तो हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। तो आए जानते हैं आपका कोई भी लिंक को आप कैसे QR कोड में जेनरेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आए स्टार्ट करते। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. So friends, मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे, आप कैसे कोई भी एक लिंक को, आपका लिंक को आप QR कोड में ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, अच्छी तरह से यहाँ पर देखो। मैं यहाँ पर मेरा डेस्कटॉप में आ गया, तो उसके बाद आपको मैं यहाँ पर MS Word को खोल लेता हूँ, अच्छी तरह से देखो। MS Office 2019 आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर मैं एक पेज में क्लिक करता हूँ, तो ठीक है। उसके बाद मुझे एक पिक्चर लेना है मुझे मेरा, तो मैं पिक्चर को झटपट ले देता हूँ यहाँ पर। हाँ देखो मेरा ये पिक्चर आ गया। तो मेरा जो YouTube अकाउंट का लिंक है उसको मुझे जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पर मेरा YouTube अकाउंट का लिंक को यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मेरा YouTube अकाउंट का लिंक है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया, अच्छी तरह से आप देख सकते हो। इस लिंक को मुझे QR कोड में ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए आपको पहले इंसर्ट पे चले जाओ। यहाँ पर MS Office 2019 में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी पे भी आप एक कर सकते हो। तो यहाँ पर इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखो गेट एड्स इन और माई एड्स में यहाँ पर देखो माई एड्स में मैं क्लिक किया, उसके बाद क्या कुछ दिखाते हैं अच्छी तरह से देखो। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई ऐड अभी तक मैं ऐड नहीं किया। उसके बाद अभी देखो मैं फिर से इंसर्ट में किया, उसके बाद गेट ऐड इन, ऐड मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा। तो देखो यहाँ पर ऑफिस ऐड मुझे ये सारा कुछ आ गया, बहुत कुछ आ गया। तो यहाँ पर मुझे सर्च करना है, मुझे क्या कुछ किया चाहिए, क्यूआ मैं सर्च किया क्यूआ। आप देखो क्यूआर सर्च कर रहे हो, देखो क्यूआ जनरेटर यहाँ पर आ गया। ऑफिस ए भी आप कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट टेक्स्ट नो टर्म्स, यहाँ पर आप देखो ये इसको भी करना, ये ऑफिस के लिए है। आप देखो यहाँ पर मैं क्लिक किया, वो ऐड हो गया, और देखो ये ऐड हो जा रहे। यहाँ पर ऐसे करके आपको ऐड करना है। उसके बाद ये ऐसे करके आ जाएगा, देखो साइड पे ऐसे करके आ गया। आप देखो यहाँ पर से आप इसको साइज इंक्रीज कर सकते हो, देखो इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो ऐसे करके, जितना चाहिए आप ले सकते हो अच्छी तरह से। उसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, कलर देखो यहाँ पर बहुत कुछ कलर है, मगर मुझे ब्लैक अच्छा लगता है, ब्लैक ही QR कोड ज़्यादातर होता है, और बैकग्राउंड जो व्हाइट है ठीक है, सारा कुछ ठीक है। यहाँ पर आपको इस कोड को पेस्ट करना है, कोई भी एक कोड को पेस्ट करना है। देखो ये मेरे YouTube अकाउंट का लिंक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, देखो मैं कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। अब कंट्रोल भी पेस्ट कर दो, कंट्रोल भी पेस्ट किया कीबोर्ड में, और देखो ये पेस्ट हो गया। उसके बाद आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट में क्लिक करना है, इंसर्ट में क्लिक किया आ गया देखो। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये इसका सामने, हाँ अभी देखो आ गया QR कोड, देखो QR कोड आ गया। आपको सामने ले आने के लिए यहाँ पर जो ये देख सकते हो, इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पर ये सामने, ये पीछे चले जाएगा, ये मिडिल में चले जाएगा, ये इसको मुझे सामने ऐसे करके सामने ले आया।
तो ये यहाँ पर आप कोई भी किसी भी प्लेस में आप ले जा सकते हो। यहाँ पर अभी आपको ये सारा कुछ नहीं चाहिए, इसको आप टोटली डिलीट कर दो, नहीं चाहिए। हो गया, आपका क्यू आर कोड जनरेट हो गया। इस क्यू आर कोड को मैं यहाँ पर स्कैन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं ये मेरा मोबाइल ले आया, यहाँ पर आप देख सकते हो इस मोबाइल में मैं अभी इस क्यू आर कोड को स्कैन करने वाला हूँ, तो अच्छी तरह से देखना। तो ठीक है, यहाँ पर मोबाइल में मैं कैमरा को ऑन कर दिया, ठीक है, कैमरा को ऑन कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्यू आर कोड को स्कैन करता हूँ, देखता हूँ कुछ क्यू आर कोड डिटेल्स। देखो यहाँ पर आ गया वेबसाइट, गो टू वेबसाइट, ओके मैं क्लिक किया गो टू वेबसाइट। यहाँ पर देखो मेरा चैनल खुल गया, देखो मेरा चैनल को क्या क्यू आर कोड में ले लिया और मेरा चैनल खुल गया। और फिर मैं फिर से और एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो मैं ये मोबाइल ले लिया मेरा पोको एक्स टू, इस फोन में अभी कैमरा को ऑन करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर कैमरा को ऑन कर दिया, कैमरा को ऑन करने के बाद यहाँ पर इस क्यू आर कोड को मैं स्कैन करता हूँ। देखो ये क्यू आर कोड को स्कैन, हाँ देखो यहाँ पर बोल रहे व्यू क्यू आर कोड डिटेल्स, यहाँ पर मैं मुझे क्लिक करना होगा, क्लिक कर दिया। अब देखो मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, वो अच्छी तरह से यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इसको गो टू वेबसाइट, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ गो टू वेबसाइट पे। अब देखो मेरे यूट्यूब चैनल में सीधा चला गया, देखो मेरे यूट्यूब चैनल में सीधा चला गया। मेरे यूट्यूब चैनल बहुत सारा वीडियो है, अच्छी तरह से आप देख सकते हो, बहुत कुछ मिलेगा। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेट जो आप देख रहे हो यहाँ पर, रेट कोई भी रेट बटन नहीं रखना, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत सारा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, अच्छा अच्छा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर देना ऐसे करके। तो ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने दिखाया मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक खुल गया। आप कोई भी एक युवकों के साथ कोई भी, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है उस वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर ऐसे करके जनरेट कर सकते हो, क्यू आर कोड उस वेबसाइट के साथ आप क्यू आर कोड जनरेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर यूट्यूब अकाउंट का लिंक दे दिया, यहाँ पर ये वेबसाइट एक से क्यू आर कोड जनरेट हो गया। किसी भी चीज का आप लिंक दे दो, यहाँ पर क्यू आर कोड जनरेट हो जाएगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में आप कर सकते हो। ये मैं ये वर्ड पर दिखाया, तो ठीक है चलो पावर पॉइंट पे दिखाते हैं, पावर पॉइंट सर्च करते हैं। अब देखो यहाँ पर पावर पॉइंट, इस पावर पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके लिए आपको ऑफिस 2019 चाहिए। मैं पावर पॉइंट पे क्लिक किया, उसके बाद देखो क्या होता है, पावर पॉइंट ऑफिस 2019 एक खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो देखो ये ओपन होकर एक पेज में ले लिया, यहाँ पर एक पेज ओपन हो गया। यहाँ पर भी आप क्यू आर कोड को जनरेट कर सकते हो आपका किसी भी लिंक के साथ। इंसर्ट, यहाँ पर भी इंसर्ट में चले जाओ, और इंसर्ट में जाने के बाद देखो ऐड, गेट ऐड इन, यहाँ पर माई एड्स इन, कुछ ऐड किया यहाँ पर, देखा देखते हो यहाँ पर एक क्यू आर कोड जो मैं ऑलरेडी कर दिया, क्यू आर कोड है यहाँ पर। अच्छी तरह से आप जनरेट कर सकते हैं ऐसे, क्यू आर कोड को पहले सिलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ पर ऐड को ऐड में क्लिक करो, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका पेज में। आप देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, आ रहा है यहाँ पर आ गया। ये देखो इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से, देखो यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज हो गया, बहुत इंक्रीज कर सकते हो, जो इतना ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। देखो ऐसे करके इस लिंक दे दो, ये भी आप चेंज कर सकते हो, HTTP ASP कर सकते हो, टेल बहुत सारा कुछ है यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर आपका लिंक लिख दो, जनरेट हो जाएगा आपका लिंक एक क्यूआर कोड में जनरेट हो जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पर पावर पॉइंट में दिखा रहा हूँ, आप वर्ड में कर सकते हो, पावर पॉइंट, एक्सेल, कुछ भी में आप आसानी से कर सकते हो, बड़ी आसानी से। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया कि आप कैसे आपका कोई भी लिंक या वेबसाइट का लिंक को आप कैसे क्यूआर कोड में ट्रांसफर कर सकते हो बड़ी आसान से। इसके लिए आपको एमएस ऑफिस 2019 चाहिए। इस एमएस ऑफिस 2019 को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो और लाइफ टाइम के लिए उसको एक्टिव कर सकते हो, मेरा एक वीडियो है, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आसानी से वो वीडियो आप देख सकते हो।
तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगर इस चैनल कनेक्टिकल न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नोटिस वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा।